ये वो चित्र है जिसकी सन्यासी बाबा ने आज्ञा दी थी। माइक लीजिए आप। बागेश्वर धाम की जय, सतगुरुदेव सन्यासी बाबा की जय। कहाँ से आना हुआ है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? रायपुर। पहली बार आए हैं क्या? नहीं, सेकंड टाइम। हम अच्छा दो बार आ चुके हैं। जी जी, सवाला खान मान चालीसा का पाठ हो रहा था उस समय आए थे। ओ, यहाँ किसी को अपनी बात बताई तो नहीं है? जी नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं है? जी नहीं। चलिए पूछ ही लीजिए। गुरु जी, तंत्र विद्या जैसा लगता है पूरा शरीर में बाधा बनता है और घर में क्लेश, आर्थिक तंगी सभी है। 12 साल से हम परेशान हैं गुरु जी, सब तरफ से हार चुके हैं। हम यीशु मसीह वाले प्रार्थना में भी जाते थे 3 बार। किस में जाती थी? यीशु वाले में जी गुरु जी। 3 साल मतलब वो जो हलीउल्ला वाले? जी नहीं। अरे वही तो हैं, क्रिश्चियन। अच्छा, हमें पता नहीं। जी जी, तो उसमें भी जाते थे गुरु जी 3 साल से। लेकिन अगर हम उसमें जाकर क्या हुआ आप जी? कुछ नहीं हुआ गुरु जी। आराम नहीं लगा? नहीं लगा। तो क्यों गए? आप हिंदू हो जी गुरु जी? कौन से हिंदू? जी सनातनी हिंदू है। तो फिर वहां कैसे 33 करोड़ कम पड़ गए थे का? नहीं गुरु जी, हम सब तरफ से हार चुके थे, सब हमको ब्लेम करते थे। तो अब आप यहाँ क्यों आई? जब आप वहां गई थी तो फिर यहाँ क्यों आई? नहीं गुरु जी, वो धर्म परिवर्तन के लिए बोलते थे, बैप्टिज्म लेने के लिए बोलते थे। अगर तुम बैप्टिज्म लोगे तो तुम्हारा हो सकता है कि समस्या दूर हो जाए। लेकिन अगर बागेश्वर हो सकता है कि हो, ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है। हो सकता है मतलब वो गारंटी नहीं लेते? जी नहीं। हमारे जैसी जी, हम भी कहते हैं बालाजी कर सकते हैं, उसमें कोई नई बात जी गुरु जी। अगर बागेश्वर बालाजी मुझे नहीं मिलते, मैं यूट्यूब पे नहीं देखती, तो शायद अब तक मैं धर्म परिवर्तन कर चुकी होती। ठीक, क्या आपने ये समस्या बताई किसी को? जी नहीं। आपने ये फोटो बताई किसी को? जी नहीं। आपने अपने पति का नाम बताया? जी नहीं। किसी ने लिखा? जी अच्छा नहीं। क्या है उनका नाम? मिस्टर देवेश सोनी। आए हैं क्या? जी नहीं। अच्छा, वो नहीं आते गुरु जी। पढ़ी लिखी हो? जी। नजदीक का शरीर में दर्द है, बोझ बना, तंत्र बाधा के कारण आपको समस्या है, बहुत जगह गई, आराम नहीं लगा, गंदी हरकत प्रेत करता है, जो माइक पर बता नहीं सकते हैं, जिन्न है, सामने आता है, बिस्तर पर भी आ जाता है, रात के समय पति का रूप बनाकर आता है। आपके पति का नाम देवेश है, गंदी हरकत नहीं करेगा, और इसको जो है प्रदीप नाम के व्यक्ति ने करवाया है, उससे आप परिचित हो, सावधान रहना। आशीर्वाद। जय जय बागेश्वर धाम प्रभु। ये तुम्हारे वो हलीउल्लाह वाले नहीं बता सकते हैं जी गुरु, लेकिन जी। उनके कान हम बता सकते हैं जी गुरु जी। प्रदीप मेरे जेठ का बेटा है गुरु जी। हमारा नाम ना लगाइयो। नहीं गुरु जी। और जो ना बताइयो कि हमने यहाँ बताओ, ये जो वीडियो कट नहीं सका था, लफड़ा होगा आगे को लोगों को FIR ना कर दे कोनो न्यूज चैनल पे। ओके, देखो बाबा ने मेरी आफत करवा दी। अब फिलो में तो अन्य करेगा, हम गुरु जी पे कई बार कई नाम मत बताया कर। ठीक है, अब हो गया। वहां बैठिए। आपने यहाँ किसी को ये बातें बताई थी? जी नहीं गुरु। और वो क्या कह रहे थे कि आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा तब ठीक होगा? हम ये कहते हैं कि आपको धाम भी ना आओ, हम बुला ले भी और ठीक कर दे भी जी गुरु जी। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। बैठो वहां, और कल से नहीं अभी से कृपा करेंगे। वहां बैठो आप, ठीक बाद में देना, पहले वहां बैठो बहन। मुट्ठी बांधो, माल लगाओ इसे, सिर में चमीटा मारो। नहीं।
जितना परेशान इतनो किसको किया, मार मार के इसको करो। राम राम, भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब सिर में मारो इसके, भड़ाभड़ मारो इसके सिर में, सेनापति भड़ाभड़ फटकारो चमीता और जमीन में फटकारो। क्यों परेशान करता था तू इसे, क्यों परेशान करता था, कुछ बिगाड़ा तेरा इसने? अच्छा तू इसकी बदनामी क्यों करवा रहा, कुछ बिगाड़ा तेरा? तुझे बुलाया इसने, भेजा है? नहीं भेजा है। अच्छा तू अपने आप आया? अच्छा क्यों आया? मजा आता है क्या करना है, ले जाना है तुझे? अच्छा कब ले जाएगा तू? बहुत दिन हो गया कोशिश कर रहा हूँ, बहुत दिन। हाँ अच्छा ले जाएगा तू? पक्का? अच्छा ले ओ, सुन लो सन्यासी बाबा, सेनापति गला पकड़ो इसका। राम राम, सन्यासी बाबा की। अब ले जाएगा है? अब ले जाएगा, अब करेगा परेशान, अब इसकी बदनामी करवाएगा, इसके पास जाएगा? बोल सीताराम। नहीं बोलना? नहीं बोलना? बोल दे यार भैया, मिठाई खवाएंगे हम? नहीं, हम बुलवा के रहेंगे, हम बुलवा के रहेंगे। जय हो हनुमान जी महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हूं फट स्वाहा। सन्यासी बाबा की सेना दरबार में आवे। चमाटा मारो इसके। अब बोल सीताराम, बोल सीताराम। क्यों बोल सीताराम? दुर्दशा करवानी तुझे? और तेज मार लगाई जाए। सिर को मारो जमीन में, सिर को मारो जमीन में और तेज। गला दबा दो इसका। बोल सीताराम, उठ के बैठ जाओ, बांध लो इसे। सीताराम सीताराम, जोर से सीताराम 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 सीताराम। जा बैठ सन्यासी बाबा के। ले जाओ, बैठो बहन जी। प्रेतराज सरकार के दरबार में बैठना है हर मंगलवार, 5 लौंगे बांध लेनी बहन जी। आज से ही बहन जी आपके ऊपर इसका दुष्प्रभाव कम होने लगेगा। जाओ। जय जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम। चलो लाओ लाओ लाओ, हमको दे दीजिए, माता जी के लिए लाओ 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 लाओ। चलो हाँ हाँ,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम, बिगड़े बनेंगे सबके काम। बागेश्वर धाम, जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते तीरथ देव मनुज सब गाते। जय हनुमंते विघ्न विनाशक पवन पुत्र श्री राम उपासक, दुर्गम कारज सुगम बनाते तीरथ देव मनुज सब गाते। मारुत सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। मारुति सुत की कृपा दृष्टि से मिलता उत्तर हर एक प्रश्न का। कैसी चिंता वरद हस्त है सदगुरु योगी धीरेन्द्र कृष्ण का। सुनते पवन पुत्र हर विनती उपकारों की क्या है गिनती, पूरे करते भक्तों के कृपा शरण में लीजिए तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी संत सहाय असुर संगारी। करिए कृपा शरण में लीजिए तन मन दोष मुक्त कर दीजिए। जय पिंगाक्ष अतुल बलधारी संत सहाय असुर संगारी। माँ सीता के शोक विनाशक रामानुज के कष्ट निवारक। माँ सीता के शोक विनाशक रामानुज के कष्ट निवारक। है अविनाशी परम प्रतापी तुम हो भक्तों